उत्तर प्रदेश के जौनपुर में टैकोंडो खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या ने सभी को दंग कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने अनुराग का सिर तलवार से काटा था। अनुराग यादव की मां का दर्दनाक दृश्य जब उन्होंने अपने बेटे का कटा हुआ सर अपने गोद में लिया तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया। इसके अलावा हत्या से पहले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आरोपी घटना की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। जमीनी विवाद के चलते ये घटना हुई जब अनुराग अपने घर के बाहर ब्रश कर रहा था। कि अभी एसएसपी साहब ने बताया जघन्य अपराध है और इस अपराध को जिसने भी कारित किया है उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। साथ ही जो इनको उकसाने वाले लोग हैं उनको भी दंड दिया जाएगा। जमीनी विवाद 40 वर्षों से अभी जैसा कि बताया लगभग पुराना विवाद है, सिविल कोर्ट में भी है और कई में है। इस पूरी जमीनी विवाद की जाँच के लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व आर ए चौहान को मेरे द्वारा नामित किया गया। वो मजिस्ट्रेटियल जांच करके और दोनों सारे चीज़ों का अवलोकन करके परीक्षण करके इस पर एक सब 3 दिन में आख्या देंगे। पुलिस ने 4 लोगों को आरोपी बनाया है। हाल ही में 2 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया और उन्होंने पूछताछ में हत्या में शामिल होने की बात कबूल कर ली। जमीनी विवाद में जो करीबन 40-45 साल से दो पक्षों के मध्य चल रहा था उसमें रमेश और लालता इन पक्ष के द्वारा जो दूसरे जो जिनके साथ विवाद था उनके ऊपर हमला करके उसकी हत्या की गई है। इसमें फिलहाल मैं और डीएम साहब मौके पर हैं और घटनास्थल का मुआयना किया गया है और कुछ जो अभियुक्त हैं उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और आगे कार्रवाई इसमें विधि कार्रवाई की जा रही है। हाँ जी, हाँ वो जो उसमें दबिश दी गई है, दबिश में जो बरामदगी की गई है उसके बाद में बात में सूचना दी जाएगी। पुलिस के अनुसार इन दोनों ने पूछताछ के दौरान हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार की है। एसएसपी ने बताया कि दोनों संदिग्धों को गश्त के दौरान पकड़ा गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद मामले की सच्चाई सामने आई। अनुराग की हत्या से पहले की वीडियो भी वायरल हो गई है जिसमें देखा जा सकता है कि उनपे हमला करने वाले पहले से ही प्लानिंग में थे। इस जघन्य हत्या ने पूरे देश का ध्यान अपने ओर खींच लिया है। हत्या के बाद डीएम और एसएसपी सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।